Hello friends, in this video we are going to learn about proxy. So friends, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में जब कंपनी में मीटिंग हो और मीटिंग के अंदर जो कंपनी का मेंबर्स है वो मीटिंग में मेंबर्स किसी वजह से ना आ सके और उसको ऐसा लगता है कि मीटिंग में वोटिंग में मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए. सो उस केस में वो अपने बिहाफ में एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करेगा जिसको हम प्रॉक्सी कहते हैं. तो बेसिकली प्रॉक्सी एक वो पर्सन होगा जो किसी मेंबर के बिहाफ में कंपनी मीटिंग अटेंड करेगा और वहां पर वोटिंग देगा. सो बेसिकली आज का टॉपिक है हमारा जिसे हम कहेंगे प्रॉक्सी. सेक्शन 105 कंपनीज एक्ट 2013 डील करता है प्रॉक्सी से. यानी कि अगर सेक्शन 105 की बात करें प्रॉक्सी क्या है तो प्रॉक्सी के मीनिंग में हम देखेंगे अ प्रॉक्सी इज अ पर्सन वो अटेंड अ जनरल मीटिंग एंड वोट ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर. सो बेसिकली जो कंपनी का मेंबर है वो कंपनी का मेंबर अगर कंपनी की मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता तो वो अपने बिहाफ में एक पर्सन को कंपनी में भेजेगा जो मेंबर के बिहाफ में कंपनी की मीटिंग अटेंड करेगा और मीटिंग अटेंड करने के बाद वो वहां पर अपना वोट कास्ट करेगा. एवरी मेंबर ऑफ कंपनी हैज स्टेटरी राइट टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी. तो बेसिकली यहाँ पर कंपनी के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे मेंबर का एक स्टेटरी राइट्स होता है. यानी उनके पास एक राइट्स होता है, एक पावर होता है कि जब भी वो मीटिंग अटेंड ना कर सके तो वो अपने बिहाफ में किसी प्रॉक्सी को भेज सकते हैं. तो बेसिक अगर इन शॉर्ट मीनिंग अगर देखा जाए प्रॉक्सी का तो बेसिकली हमारी कंपनी में जितने भी मेंबर्स हैं सबका स्टेटरी राइट्स है कि वो अपने बिहाफ में प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं. तो अगर किसी वजह से हमारा जो मेंबर है कंपनी का वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता तो वो अपने बिहाफ में किसी प्रॉक्सी को भेज कर मीटिंग अटेंड करवा सकता है और अपने बिहाफ में वोट डलवा सकता है. सो बेसिकली नेक्स्ट वाले में हम बात करेंगे कि क्या लीगल प्रोविजन है रिगार्डिंग द प्रॉक्सी. यानी प्रॉक्सी को जो अपॉइंट किया जाएगा या प्रॉक्सी को हम लोग रखेंगे तो प्रॉक्सी से क्या रिलेटेड लीगल प्रोविजन है कंपनीज एक्ट 2013 या फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में. सो बात करेंगे लीगल प्रोविजन में. फर्स्ट प्रोविजन अपॉइंटमेंट. तो अपॉइंटमेंट में अगर हम बात करें तो हमारी कंपनी का जो मेंबर्स है अगर वो कंपनी की मीटिंग किसी वजह से अटेंड नहीं कर सकता तो वो अपने बिहाफ में किसका अपॉइंटमेंट कर सकता है, प्रॉक्सी का अपॉइंटमेंट कर सकता है. तो प्रॉक्सी जो है उस मेंबर के बिहाफ में कंपनी में आएगा, मीटिंग अटेंड करेगा और अपना वोट कास्ट करेगा. बट वोट जो कास्ट करेगा वो सिर्फ कौन से मेथड से होगा, वोटिंग बाय पोल मेथड से. यानी पोल मेथड से जो वोट होगा उसी में अपना वोट क्या करेगा, कास्ट करेगा. बट बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो माइनर है वो माइनर को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं किया जा सकता. कोई बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने बिहाफ में प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकता. तो बेसिकली यहाँ पर हम देखा जाए तो कोई मेंबर जो है वो अपने बिहाफ में प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है बट वो प्रॉक्सी माइनर नहीं होना चाहिए. बट अगर कंपनी मीटिंग रखी है और मीटिंग किसी वजह से एडजॉर्न हो गई तो एडजॉर्न होने की वजह से यानी कैंसिल होने की वजह से अगर वो नेक्स्ट वीक में सेम टाइम सेम प्लेस पर रखी गई है तो वही प्रॉक्सी सेम मीटिंग अटेंड कर सकता है. नेक्स्ट है लीगल प्रोविजन में राइट्स कि जो प्रॉक्सी अपॉइंट होगा उसके क्या राइट्स होंगे. सो बेसिकली यहाँ पर जो प्रॉक्सी अपॉइंट होगा उसके राइट्स कंपनी में ये होंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ मीटिंग को अटेंड कर सकता है और वोटिंग जब पोल मेथड से होगी तो वोट दे सकता है. यानी जो दूसरे मेंबर के राइट्स हैं कि वो मीटिंग में बोल सकते हैं यानी स्पीक कर सकते हैं और अपना वोट दे सकते हैं वो प्रॉक्सी को राइट्स नहीं होगा. प्रॉक्सी का राइट सिर्फ इतना है कि वो मीटिंग को अटेंड करे और वोटिंग अगर पोल मेथड से हो तो वो उसी केस में अपना वोट कास्ट कर सकता है. नेक्स्ट मेंबरशिप. तो मेंबरशिप में हम बात करें कि प्रॉक्सी जो है वो कंपनी का मेंबर हो भी सकता है और मेंबर नहीं भी हो सकता है. यानी डिपेंड करता है कि जो मेंबर है वो किसको प्रॉक्सी अपॉइंट करें. सो बेसिकली यहाँ पर जो कंपनी का मेंबर है वो भी प्रॉक्सी बन सकता है किसी दूसरे मेंबर के बिहाफ में या फिर हम बात करें यहाँ पर हमारी कंपनी का कोई मेंबर है वो किसी नॉन मेंबर्स को भी एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है. नेक्स्ट अ लेटर ऑफ अथॉरिटी और अ प्रॉक्सी फॉर्म. अ लेटर ऑफ अथॉरिटी और प्रॉक्सी फॉर्म में हम बात करेंगे कि जब कोई मेंबर अपने बिहाफ में प्रॉक्सी को अपॉइंट करेगा तो जब प्रॉक्सी को अपॉइंट करेगा और मीटिंग होने वाली है कुछ दिनों में तो एटलीस्ट 48 hours बिफोर जो है वो कंपनी को एक लेटर सबमिट करेगा जिसमें वो मेंबर कहेगा कि मैं कंपनी में मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, मेरे बिहाफ में ये प्रॉक्सी है, ये प्रॉक्सी क्या करेगा, मीटिंग अटेंड करेगा. तो प्रॉक्सी मीटिंग अटेंड करेगा 48 hours बिफोर जो है वो प्रॉक्सी का फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा मीटिंग के कंडक्ट होने से पहले. नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन में हम बात करेंगे हमारी कंपनी की जो मीटिंग है उस मीटिंग में मेंबर्स आएंगे
और वो मेंबर्स को राइट्स है कि वो प्रॉक्सी के जो फॉर्म्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, यानी हमारी कंपनी में कौन कौन प्रॉक्सी आया है उसके जो फॉर्म्स हैं वो फॉर्म्स वगैरह को इंस्पेक्शन करने का राइट्स है मेंबर्स के पास। तो मेंबर देख सकता है कि कौन प्रॉक्सी किस मेंबर के बिहाफ में आया है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने देखा कि हमारी कंपनी में अगर मेंबर्स अवेलेबल नहीं है तो वो मेंबर्स अपनी मीटिंग में अपने बिहाफ में किसी और पर्सन को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं, जो मीटिंग में अटेंड करने के बाद वो पोल मेथड से वोट दे सकता है। और क्या क्या लीगल प्रोविज़न है किसी प्रॉक्सी से रिलेटेड, वो आज हमने इस वीडियो में देखा। थैंक यू फ्रेंड्स।